And our today's lesson is about new variables of chapter number 9, remaining variables. जिस पिछले टॉपिक में हमने पहले दो न्यूमेरिकल सॉल्व किए, इसकी एक्सरसाइज में टोटल चार न्यूमेरिकल्स हैं, तो थर्ड और फोर्थ न्यूमेरिकल हम आज की डायरी से करेंगे कम्प्लीट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 6-3 है, इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इसमें उन्होंने बताया हमें फॉर द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस N2+O2 2N+O। कहते हैं व्हेन द रिएक्शन टेक्स प्लेस एट 1500 केल्विन the value of Kc for this is 1.1 multiplied by 10 to the power minus 5। तो इसमें Kc की वैल्यू में दे देता है 1.1 10 to the power -5। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है नाइट्रोजन की वैल्यू बनता है 1.7 10 to the power -3 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर एंड द वैल्यू ऑफ ऑक्सीजन इज 6.4 10 to the power -3 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। सो हाउ कैन वी फाइंड आउट नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड? तो कहता है कि नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की वैल्यू हमें बताइए। इससे पहले जो दो वेरिएबल हमने सॉल्व किए उसमें हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो मालूम करनी थी, लेकिन ये जो थर्ड और फोर्थ वेरिएबल है इसमें हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बता देता है। वो कहता है कि आप इसमें प्रोडक्ट्स जो है यानी जो प्रोडक्ट्स मान रहे हैं नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड को मान रहा है इसकी वैल्यू आप फाइंड आउट करें, ठीक है। तो आपको अगर इस इक्वेशन का पता है कि आपकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट्स ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट्स to the react products of the concentration of reactant raised to the power of coefficient, अगर आपको इस चीज का पता है तो आप आसानी के साथ इस इक्वेशन से किसी भी चीज की नाइट्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड या केसी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आपके पास बाकी वैल्यूज मौजूद हैं। यहां पे हमने नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, बाकी ऑक्सीजन नाइट्रोजन और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यूज हमें कंसंट्रेशन से दे देता है। इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे वैल्यूज को, हमारे पास Kc की वैल्यू है 1.1 10 to the power -5, इसको हम यहां पे लिख देंगे Kc की जगह पे इज इक्वल टू नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है तो इसको हम ऐसे ही लिख देंगे नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय हमारे पास नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की जो वैल्यूज हैं 1.7 10 to the power -3 और 6.4 10 to the power -3 जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की वैल्यूज हैं इनको हम यहां पे डिनोमिनेटर के तौर पर यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम देखते हैं कि हमारे पास अगर नाइट्रोजन है इसको यहीं पे रहने देंगे, ये जो दो वैल्यूज हैं ये इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाएंगी तो इसके साथ Kc की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो हमारे पास नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड होल स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास Kc है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की वैल्यूज है, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। हम सबसे पहले क्या करेंगे कैलकुलेटर की मदद से 1.1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.7 से, जो आंसर आएगा इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6.4 से, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 11.9868 मल्टीप्लाई बाय, अब इनके जो पावर्स हैं इनको प्लस कर लेंगे फॉर एग्जांपल 10 टू द पावर -3 एंड -3 -6 एंड 10 टू द पावर -5 ये 10 टू द पावर -11 हो जाएगा। हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की, लेकिन जहां पे हमारे पास स्क्वायर है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम इक्वेशन की दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लेंगे। हम टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन तो हम क्या लिखेंगे, हमारे पास है 11.968 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -7 इनटू नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड स्क्वायर, उसका आप स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों का तो ये इसके साथ कट जाएगा, तो इसका जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.000119, ठीक है। अब आप साइंटिफिक नोटेशन में इसे लिखेंगे तो आपको पता है कि लेफ्ट साइड पे वन नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए, तो इस पॉइंट को आप जो है वो राइट साइड पे लेके जाएंगे। जब आप लेफ्ट टू राइट पॉइंट लेके जाते हैं तो 10 टू द पावर माइनस में इजाफा जो है उसमें कमी होती है, तो आप क्या करेंगे आप 1, 2, 3, 4 and 5 पॉइंट्स आप इसे जो है वो राइट साइड पे लेके जा रहे हैं तो 10 टू द पावर -5 आप जो है वो आंसर के साथ जो है वो लिखेंगे, तो आपके पास क्या आएगा 1. ये 19 है तो यहाँ पे पॉइंट आएगा, तो पॉइंट के बाद पहला हिस्सा 1 है और दूसरा क्या आपके पास 9 है, 9 जो है ये 5 से ज्यादा है तो हम जो है वो इसको आगे कर देंगे 10 में इसे चेंज कर देंगे तो 10 0 आ जाएगा आपके पास, जैसे 1.1 10 टू द पावर -5 भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास 1.1 1.0 10 टू द पावर आपके पास क्या आ जाएगा -5 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, दिस इज द वैल्यू ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। चौथे नंबर पे हमारे पास जो न्यूमेरिकल है दैट इज नाइट्रोजन प्लस 3H2, इसमें हमारे पास आ गई अमोनियम 2NH3, ठीक है। तो इसमें वो हमें बताता है, इसमें भी हमें वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू दे देता है, इसकी स्टेटमेंट को पढ़ते
नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया, तो इसकी केमिकल इक्वेशन आप खुद लिखेंगे, N2+3H2 रिवर्सिबल रिएक्शन टू NH3। तो इसमें आप क्या करेंगे, आपके पास N2 की वैल्यू क्या है 0.31 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, हाइड्रोजन की वैल्यू हमें बता देता है 0.50 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू भी 0.50 मोल -2 डेसीमीटर 6 है इसकी वैल्यू। तो इसमें हमें कहता है कि अमोनिया की वैल्यू आप फाइंड आउट करें। ये न्यूमेरिकल बिल्कुल उसी तरह से है जैसे कि आपके पास रिएक्टेंट्स में और प्रोडक्ट्स की वैल्यू को कहता था फाइंड आउट करें, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू दे दी। इसमें प्रोडक्ट की वैल्यू फाइंड कर ली हमने, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू हमें दे देता है और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की वैल्यूज भी बता देता है हमें। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास इक्वेशन वही है Kc = प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट्स, तो प्रोडक्ट्स हमारे पास अमोनिया है, अमोनिया NH3 × 2 और N2 एंड H2 × 3, क्योंकि हाइड्रोजन के हमारे पास 3 मोल्स हैं, तो इसकी आप कोएफिशिएंट के तौर पर 3 यूज करेंगे। तो आप क्या करें, आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या है 0.50 इसे लिखेंगे, अमोनिया की वैल्यू फाइंड आउट करनी है वैसे ही लिख देंगे और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की वैल्यूज भी लिख देंगे आप। अब आप क्या करेंगे, अमोनिया को वैसे ही रहने देंगे, ये जो आपके पास 0.31 है, सबसे पहले आप क्या करेंगे 0.50 का क्यूब लेंगे यहां पे, तो 0.50 का क्यूब लिया तो आपके पास क्या आएगा 0.125 को आपने क्या करना है, आपने 0.31 से मल्टीप्लाई करना है, तो जो आंसर आएगा ये इक्वेशन के नीचे है तो दूसरी साइड पे वैल्यू चली जाएगी। इसको रीअरेंज करेंगे इक्वेशन को, अमोनिया को एक साइड पे रहने देंगे, तो अमोनिया आपके पास एक साइड पे है, बाकी तीनों वैल्यूज एक साइड पे चली गई, 0.50 ये इधर आ जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगी 0.31 और ये भी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.50 से 0.125 आ गया। 0.50 0.31 एंड 0.125 की तीनों को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो इसके पास इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो इसका आंसर आएगा दैट इज 0.01937 इसका आंसर आएगा। दूसरी तरफ आपके पास क्या है, अमोनिया का स्क्वायर है, तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए आप क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट जो है वो स्क्वायर रूट लेंगे इसका, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, बोथ साइड्स पे जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो इसका स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास पीछे जो आप स्क्वायर रूट लेंगे 0.01937 का, तो इसका स्क्वायर रूट जब आप लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.139, ठीक है। और दूसरी तरफ आपके पास क्या रह जाएगा, अमोनिया, ठीक है। अमोनिया जो है इसकी जो वैल्यू है आपके पास क्या है 0.139 को आप क्या करेंगे, आपके पास पॉइंट के बाद जो थर्ड पॉइंट है वो आप देखेंगे हिंसा है आपके पास 9 है, 5 से ज्यादा है तो इसे पहले वाले में 1 का इजाफा कर देंगे आप। तो आप क्या करेंगे 0.14 पॉइंट द वैल्यू ऑफ अमोनिया इज 0.14 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर फॉर दिस रिएक्शन। इफ वी हैव Kc एंड द वैल्यूज ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अमोनिया एंड द वैल्यू ऑफ अमोनिया इज 0.14 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। तो ये आज के हमारे जो है वो न्यूमेरिकल्स थे, ये दो जिनको हमने सॉल्व किया, ठीक है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट।